हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोले कंप्यूटर आईटीएस। अब से पहली वाली वीडियो में हमने जाना था कि किसी भी व्यापारी से, किसी भी पार्टी से हम जब सामान खरीदते हैं तो उसका डेटा अपने पास कैसे फीड करते हैं। आज हम जानेंगे कि यदि हम किसी पार्टी को सामान बेचते हैं तो उसका डेटा कैसे फीड करते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो एक्सेल की स्क्रीन पर आ चुके हैं हम। सबसे पहले हम उसी प्रकार से माउस से ड्रैग करते हुए कुछ एरिया को सेलेक्ट करेंगे, एक कमांड देंगे अल्ट एच एम सी मर्ज के लिए, अल्ट एच एम सी, और यहाँ पर टाइप करेंगे सेल डेटा एंट्री। किसी भी व्यक्ति, व्यापारी, किसी भी पार्टी से सामान को जब हम बेचते हैं किसी पार्टी को, तो किस तरह से फीड करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, सेल डेट, आपने सामान को कब बेचा, पार्टी का नाम, उस पार्टी का नाम क्या है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल क्या रखी है, गुड्स क्या, आपने उसको क्या सामान बेचा, क्वांटिटी क्या रही, रेट क्या रहा, अमाउंट क्या आया, उस पर टैक्स कितना भी रख सकते हैं हम टैक्स को, 12% ही नहीं, 18% या 6% या नहीं, जो भी हम रखना चाहें, डिस्काउंट 2%, और फाइनल अमाउंट क्या निकल के आया। एग्जाम्पल के तौर पे एडवांस रिसीव्ड, क्या उससे एडवांस में रिसीव हुआ था, और ऑफ बैलेंस यानी कि पेंडिंग अमाउंट क्या रहा। इस तरह से हम हेडिंग मेंशन करेंगे, यानी कि हेडिंग अपनी अकॉर्डिंग रखते हैं हम, जिस हेडिंग की हमें ज़रूरत है वो रखेंगे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका, और डेट डालते हैं कंट्रोल सेमी कॉलम का इस्तेमाल करते हुए, प्रेजेंट डेट। आगे बढ़ते हैं, नाम एग्जाम्पल के तौर पर हमने सामान बेचा किसी विनीत को सामान बेचा, और सामान, विनीत का एड्रेस था मकनपुर, विनीत को मैंने मकनपुर पहुंचा दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर 9058844581, कोई भी एक कॉन्टैक्ट नंबर डाला विनीत का, और उसको हमने बेचे कीबोर्ड, क्वांटिटी रखी 50 कीबोर्ड बेचे, 600 रुपये का एक कीबोर्ड रखा। अमाउंट कैसे निकालेंगे, कीबोर्ड कितने रखे हमने 50, मल्टीप्लाई, और एक कीबोर्ड की कितनी कीमत है 600, तो दोनों की इक्वल के साथ दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जब हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 50 को सेलेक्ट किया है, G5 दिखा रहा है बिकॉज एक्सेल बाय रिलेट काम कर रहा है, 50 ऊपर से जी पर है और सामने से 5 पर है, इसलिए उसने G5 को मैंशन किया है, मल्टीप्लाई H5, रेट को सेलेक्ट किया है उसने, एंटर, यहाँ पे निकल गया 30,000 के 50 कीबोर्ड हमने बेचे विनीत को, 600 रुपये का एक बेचा, 30,000 रुपये का टोटल अमाउंट आया। उस पर 30,000 पर 12% का हमने लगाया GST, टैक्स निकल कर आया 3600 रुपये, 2% का निकाला डिस्काउंट जो हमने विनीत को छूट दी है सामान बेचते वक्त। तो फाइनल अमाउंट कितना आएगा, इक्वल के साथ अमाउंट 30,000 में प्लस करेंगे जो टैक्स निकल के आया था 3600 रुपये, और माइनस डिस्काउंट को कर देते हैं कम 600 रुपये को, तो 33,000 रुपये का टोटल अमाउंट बैठा जो हमें विनीत से लेना है बिकॉज उसे हमने सामान बेचा है। तो उसने एडवांस में 15,000 रुपये हमें पहले ही दिए थे, सामान खरीदने से पहले दे दिए थे, तो अब हम जो उसने पहले जमा करे हैं 15,000, जो 33,000 अमाउंट निकल गया है उसमें से माइनस करेंगे 15,000 को, एंटर, तो 18,000 विनीत से अभी और लेने हैं। तो ये हो गया सेल डेटा, यदि हम किसी को भी सामान बेचते हैं तो उसका डेटा अपने पास किस तरह से रखते हैं। इससे अलावा या और कोई भी सिचुएशन, अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम किसी सिचुएशन पर, जिस भी सिचुएशन पर आपको डेटा चाहिए, डेटा का सॉल्यूशन चाहिए, आप कमेंट करिए, आपको हर डेटा का सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।